ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया। सो राइट गाइज, क्या हाल आप सभी का। और गाइज, मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गाइज आप लोग जो कैसे फ्री फायर का किसी का भी आईडी को यूआईडी से कैसे हैक करोगे। अब देखो गाइज, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो गाइज आप लोग ये वीडियो का गलत इस्तेमाल मत करना है। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईडी को किस तरह हैक किया जाता है और आप लोग भी किस तरह किसी का भी आईडी को हैक कर सकते हो। और देखो गाइज, अगर आप लोग ये वीडियो को पूरी देखोगे अंत तक, तो भाई आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि भाई कोई भी बंदा आईडी को किस तरह स्कैम करता है, हैक करता है। और देखो गाइज, अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप लोग ये स्कैम से 100% बच जाओगे। और गाइज, अगर आप लोग किसी का भी आईडी हैक करना चाहते हो तो भाई आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आराम से भी कर सकते हो। भाई चलो, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कैमर लोग कैसे आईडी को हैक करता है या स्कैम करता है। सो गाइज, इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इस पे अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। और गाइज, चैनल पे नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइज साथ में घंटों को दबा देना। अब देखो गाइज, बहुत सारे बंदे का क्या होता है, आजकल बहुत ही ज़्यादा आईडी स्कैम हो रहा है, हैक हो रहा है। तो देखो गाइज, ये आखिर होता कैसे है, क्यों होता है इस। देखो, आईडी हैक होने का बहुत ज़्यादा रीज़न होता है, बहुत सारे कारण भी होता है जिसके कारण क्या होता है, आईडी हैक हो जाता है। अब देखो गाइज, मैं यहाँ पे कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी फालतू एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, जिसके कारण भी आपका आईडी यहाँ पे क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। अब देखो गाइज, बहुत सारे ऐसा, आप लोगों को कहीं पे इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे आप लोगों को ऐसा फोटो दिखता है जहाँ पे बताया जाता है कि भाई आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ईवो गन मिल जाएगा, साथ में आपको वीवेज भी मिल जाएगा। तो देखो गाइज, बहुत सारे बंदे वहाँ पे क्लिक करके अपना आईडी आपका जो फेसबुक का जो नंबर, मोबाइल नंबर वंबर होता है, पासवर्ड वहाँ पे डाल देता है, जिसके कारण क्या होता है, आईडी यहाँ पे क्या हो जाता है, स्कैम हो जाता है, हैक हो जाता है। अब देखो गाइज, बहुत सारे बंदे तो ऐसे करता है, लेकिन गाइज बहुत सारे बंदे गेम के अंदर से ही आईडी को हैक कर लेता है। अब देखो गाइज, जो गेम के अंदर से आईडी हैक होता है वो आखिर कैसे होता है, बंदे लोग कैसे करता है। तो देखो गाइज, ये काफ़ी सिंपल है, गेम के अंदर से किसी का भी आईडी हैक करना। अब देखो गाइज, मान लो कि आप मेरा फ्रेंड हो, ठीक है, और गाइज मान लो कि अगर आप लोगों का यहाँ पे 30 रुपये का स्पेशल रिवॉर्ड हो पाया हुआ है, तो देखो गाइज, अगर आप लोगों के पास 30 रुपये नहीं है तो गाइज आप मेरे को क्या बोलोगे कि भाई आप ना मुझे यहाँ पे 30 रुपये का रिडीम कोड दे दो, नहीं तो मेरे आईडी में ये स्पेशल रिवॉर्ड हो पाया है, 300 डायमंड मिल रहा है, वो मुझे परचेस कर दो। तो देखो गाइज, बहुत सारे बंदे यहाँ पे क्या करते हैं, रिडीम कोड मांगते हैं, बहुत सारे क्या बोलता है कि मेरा आईडी पासवर्ड ले लो और आप मुझे खरीद दो। तो देखो गाइज, यहीं पे क्या करता है, बंदे लोग स्कैम कर लेता है। और गाइज, आप लोग स्कैम किस तरह किया जाता है, कैसे हैक कर सकते हो, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो गाइज, ये काफ़ी सिंपल है गाइज, चलो मैं आप लोगों को मोबाइल पर आकर दिखाता हूँ। गाइज काफ़ी बहुत सारे बंदे यही ट्रिक को यूज़ करता है। एंड गाइज क्या करता है, आपका जैसे फेसबुक देते हो तो वहाँ पर लॉग इन कर लेता है, फिर क्या करता है, फेसबुक के प्रोफाइल पर जाता है, फिर यहाँ पर जाता है सेटिंग पे, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जाता है पर्सनल डिटेल्स में जाता है, फिर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आता है पर्सनल डिटेल्स, ठीक है गाइज, जैसे देख लो यहाँ पे पर्सनल डिटेल, फिर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना, इस पर क्या करता है, वो बंदे लोग अपने नंबर या ईमेल को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, ठीक है। और गाइज, जिससे क्या होता है, जो आपका आईडी को पासवर्ड चेंज कर देता है, हर एक चेंज कर देता है, वो आपका नंबर को रिमूव कर देता है या ईमेल को रिमूव कर देता है। देखो गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे जाके जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाकर देखो, अगर आप लोगों के इसके अंदर कोई भी दूसरा नंबर है जो आप लोगों के पास नहीं है या ईमेल है, तो आपको क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे आईडी आपका हैक हो सकता है। क्योंकि आईडी जो हैक होता है ना, यही होता है मेन चीज, यही होता है कॉन्टैक्ट जो इन्फॉर्मेशन होता है, वहीं से क्या होता है, कोई बंदा जाके ना अपना नंबर को उसमें ऐड कर देता है, या तो एक ईमेल को ऐड कर देता है। अब देखो, ऐड करने से क्या होता है, वो बंदा जब चाहे तब आपका आईडी का जो पासवर्ड उसको फॉरगेट कर सकता है अपने ईमेल से, या नंबर डालकर रखा है तो वो नंबर से कभी भी आपका आईडी का क्या कर सकता है, पासवर्ड को फॉरगेट करके वो एक्सेस कर सकता है। और गाइज, अगर आपका नंबर और ईमेल को रिमूव कर दिया तो फिर गाइज आप लोगों का यहाँ पे एक्सेस फेसबुक से हट जाता है, और गाइज आपका आईडी परमानेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे हैक हो जाता है। तो देखो गाइज, बहुत सारे बंदे यही ट्रिक को यूज करता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर आप लोग समझदार हो तो भाई आप लोग जाने गए किस तरह आईडी को हैक किया जाता है, और गाइज बहुत सारे बंदे किस तरह आईडी को हैक करता है, जो कि मैं आपको बता दिया जो तरीका है। गाइज यही तरीका है जिससे बहुत सारे बंदे क्या करता है, आईडी को स्कैम या हैक कर लेता है, ठीक है। तो गाइज, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइज वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। और गाइज, फिर मिलते हो नए वीडियो के साथ, तब तक गाइज आप लोग अपना ख्याल रखना। चलो गाइज, बाय।